अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं हूं मोहम्मद बिलाल, यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों लार्ज जैसा के बारे में वीडियो बनाई थी, मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो R134A कंप्रेसर के ऊपर थी, जिसमें हमने आपको R134A कंप्रेसर का स्टार्टिंग एम्पेयर और रनिंग एम्पेयर दिखाए थे, और उसके बाद हमने दोनों को R600 कंप्रेसर ये जो दोनों को हमने कंपेयर करना है, और इसके अम्पेयर्स के हिसाब से दोनों का हमने रिव्यू चेक करना है कि अम्पेयर कम किस यूनिट के हैं और कूलिंग भी जल्दी कौन सा यूनिट करता है। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, इसमें मसला ये है कि पहले वाला कंप्रेसर है वो R134A पे कंपनी ने जो जेन्युइन डाला था, अब हमने इस यूनिट में जो R600 इंस्टॉल कर दिया है तो इसका जो रनिंग एम्पेयर है और स्टार्टिंग एम्पेयर है वो आपको ये सामने है। स्टार्टिंग इसका जो पॉइंट होता है तकरीबन 7 पॉइंट्स पे ये स्टार्ट लेती है, और रनिंग में ये तकरीबन 3-4 के ऊपर फुल रेडी हो जाती है। तो R134A की निस्बत अगर R134A के साथ कंपेयर करेंगे तो बेस्ट जो कंप्रेसर है वो R600 है। एक R600 का रनिंग एम्पेयर का जो लोड है वो कम है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि नॉइस लेस कंप्रेसर जो होते हैं वो R600 होते हैं, और क्विक जो कूलिंग, बेहतरीन कूलिंग जो होती है वो R600 कंप्रेसर की होती है। दोस्तों अगर आपने इंस्टॉल करना है, नया कंप्रेसर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो R600 ही करें, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एक कंपेयर भी नहीं, ये रेफ्रिजरेटर ले रहा, तो हमने रिव्यू करना है जी R134A कंप्रेसर का, उसके रनिंग और स्टार्टिंग एम्पेयर्स, और उसके अलावा मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो R600 के ऊपर बनाऊंगा। तो आपके सामने जो एम्पेयर्स के हवाले से डिफरेंट है वो आपके सामने है जी। तो R134 की बात करें तो उसका जो रनिंग लोड है उस फ्रिज का वो था जी 1 एम्पेयर, और R600 जो के अब रनिंग कंडीशन में है तो इस रेफ्रिजरेटर का जो लोड है वो आपके सामने है मैक्सिमम 0.3, यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट्स ले रही है। तो अगर R134A के साथ कंपेयर किया जाए तो R600 गैस का जो रनिंग एम्पेयर लोड है वो बिल्कुल हाफ से भी कम है। चलिए आपको कूलिंग भी दिखाते हैं। चल ये कूलिंग के आपके सामने जो कंडीशन देखें, अभी माशाल्लाह बेहतरीन कूलिंग है, और ये देखें सारी चीज़ें हैं। R134A की निस्बत R600 की कूलिंग भी क्विक है और डबल कूलिंग है, और इसका जो एम्पेयर है वो भी, इसका जो लोड है वो भी बिल्कुल थोड़ा होता है। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आइस आई हुई है, अभी हमने रेफ्रिजरेटर को चलाया है तकरीबन मैक्सिमम 1.25 घंटे से, बेहतरीन कंडीशन है।